आई एम बैक विद माई सेकेंड वीडियो। इस वीडियो में मैंने B.ed की सेकेंड प्रैक्टिकल फाइल क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT जो टॉपिक है वो अपलोड की है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ माई फाइल क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। आप जैसे भी चाहे इसको अच्छे से डेकोरेट करें, जैसे आप अपनी फाइल को डेकोरेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स पेज। इंडेक्स में वो टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखे हैं। आप ये टॉपिक भी यूज़ कर सकते हैं और जो आप लिखना चाहते हैं वो उसमें लिखें। नेक्स्ट भी हमारा इंडेक्स का पेज है। फिर हमारा इंट्रोडक्शन पेज है हमारा ICT MS विंडोज़ एंड MS ऑफिस की ICT क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट है डेफिनेशन कि ICT की डेफिनेशंस क्या होती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो पार्ट्स होते हैं इसमें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद सम डेफिनेशंस है कम्युनिकेशन की, कोई भी आप डेफिनेशंस अच्छी सी जो आपको लगती है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ICT कॉम्पोनेंट्स कि ICT में के कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। फिर हम ICT को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उसके यूजेज है उसके बारे में पॉइंट्स में लिखा है हमने, वो टॉपिक है। नेक्स्ट MS विंडोज़ के बारे में है कि MS विंडोज़ क्या होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट हमारा विंडोज़ सेवन क्या होता है, आजकल पर्सनल कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़ करते हैं सारे, विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 काफ़ी सारी विंडोज़ आई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट हिस्ट्री की, कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ विंडोज़ का उसके बारे में है। फीचर्स हैं विंडोज़ के, फीचर्स की विंडोज़ का नेचर कैसा होता है पॉइंट्स में है, जैसे कि द कन्वीनियंस ऑफ जंप प्लेस अ सिस्टम ट्रे यू कैन लव अलर्ट वाई एक्शन सेंटर एक्सेट्रा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं आप ये भी लिख सकते हो और जो ईजी एक्सप्लेन कर सके वो लिखें। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस हैं विंडोज़ के और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, जैसे एक्सपेंसिव होता है, हैंग हो जाता है। फिर है विंडो 10 कि विंडो 10 जो आजकल बहुत यूज़ की जाती है, मॉडर्न है, अपडेटेड है, वो इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है, उसकी डेवलपमेंट के बारे में, उसके अनाउंसमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट रिलीज़ की, वो कब रिलीज़ हुआ, उसके बाद उसके फीचर्स हैं कि स्टार्ट मेन्यू कैसा है उसका, कॉर्टाना यूज़ होता है, कंटिन्यू मोड है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में, एक ऑपरेटिंग सिस्टम वही जिससे हम अपने कंप्यूटर को रन करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट उसकी डेफिनेशन कि क्या डेफिनेशन है, आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। नेक्स्ट उसके फंक्शंस की, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन करता है कंप्यूटर को रन करने में, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने में, तो उसके थोड़े से पॉइंट्स हैं फंक्शंस के। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक MS Word। वर्ड के बारे में लिखा है हमने, उसका इंट्रोडक्शन कि MS Word क्या होता है, क्या क्या उसमें फीचर्स होते हैं, टेक्सटाइल्स होता है, फॉन्ट साइज होते हैं, कलर चेंजिंग कर सकते हैं हम, टाइपिंग एंड एडिटिंग होती है, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, एडिंग हेडर एंड फुटर को भी ऐड कर सकते हैं हम, फिर हम वर्ड आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा वर्ड के बारे में है। फिर बुलेट्स एंड नंबरिंग, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके बारे में आप वो लिख सकते हैं, वो लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक है MS PowerPoint। PowerPoint क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए हम स्लाइड्स बनाने के लिए PowerPoint का यूज़ करते हैं, तो ये लिखा है इसमें। फिर PowerPoint के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, लाइक स्लाइड्स होती हैं बहुत सारी इसके अंदर। बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन के, हम प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, क्रिएशन कैसे करते हैं प्रेजेंटेशन का, लॉन्च कैसे होता है PowerPoint का, डिज़ाइन कैसे हम चूज़ करते हैं, टाइटल पेज कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है ऐड चार्ट्स पिक्चर एंड ग्राफ्स कैसे हम उसमें PowerPoint में ऐड करते हैं, ट्रांजिशंस कैसे ऐड करते हैं, प्रेजेंटेशंस को कैसे प्ले करते हैं, तो PowerPoint के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, स्लाइड मैनिपुलेशन, स्लाइड शो एक्सेट्रा। नेक्स्ट है MS Excel। MS Excel के बारे में कि एक स्प्रेडशीट होती है जिसमें हम अपना फॉर्मूला बार या फिर कोई भी प्रोग्राम है जिसमें हम अपना इंटरफेस यूज़ करते हैं या फिर टूल्स बार यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स के लिए MS Excel को यूज़ किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। तो वर्कशीट्स कैसे बनाते हैं, कैसे उसमें काम होता है वो, फिर टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना, कलर चेंज करना, उसके बारे में। उसके स्टैटिस्टिकल फंक्शन लाइक सम करते हैं हम, एवरेज, मैक्सिमम मिनिमम नंबर्स और काउंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनेट स्मार्ट क्लासरूम।
इंटरनेट के बारे में आजकल सभी को पता होगा इंटरनेट के, तो उसके बारे में हम इजीली कुछ भी या इजीली लिख सकते हैं अपने आप। तो उसके डेफिनेशंस हैं, इंटरनेट एग्जैक्टली क्या होता है इसका मीनिंग, वो है एक नेटवर्क होता है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है हमने। फिर इंटरनेट कंसिस्ट मेरे टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से कंसिस्टेंट होता है, वो लिखा है इसमें हमने। वेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट के, हम इंटरनेट को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स हैं, कि मेल के लिए यूज़ करते हैं हम कुछ भी, क्लास प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है, इंफॉर्मेशन कुछ लेनी हो हम उसको इसलिए इंटरनेट को यूज़ करते हैं, वर्चुअल फाइल्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बेसिक मोड्स ऑफ यूज़ ऑफ इंटरनेट के, क्या क्या यूजेस होते हैं। लाइक ईमेल के लिए हो गया, ईमेल आईडी बनाने के लिए हमने क्रिएशन के, कैसे ईमेल आईडी बनाई जाती है। फाइल एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया है। लाइव कॉन्फ्रेंसिंग चैट, कि लाइव कॉन्फ्रेंसिंग चैट जैसे हम लाइव जाकर एक दूसरे से चैट करते हैं वर्चुअली होती है हमारी, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हमने। फिर नॉलेज नेविगेशन थ्रू इंटरनेट टॉपिक है, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। फिर नेक्स्ट है डाइजेडम, डाइजेडम क्या होता है उसके बारे में है। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ मोड्स सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन के लिए, कि कौन से मोड्स है जो इंफॉर्मेशन को सर्च करने में, उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं उसके बारे में। स्मार्ट क्लासरूम्स क्या होते हैं, आजकल सारे स्कूल्स में यूज़ किया जाता है स्मार्ट क्लासरूम, एक बोर्ड होता है उनको उसमें पढ़ाया जाता है, इसके बारे में इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांस स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, कौन कौन से इसमें इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो है। फिर वाईफाई कैन वर्क अलॉन्ग विद इक्विपमेंट, कि कैसे वाईफाई से हम वर्क कर सकते हैं, स्मार्ट क्लासरूम है थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है कि टीचिंग में क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम हम क्यों यूज़ करते हैं, इससे क्या इंपॉर्टेंस है, उसके थोड़े से पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव पॉइंट्स, कि पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव, तो उसके नेगेटिव पॉइंट। तो दैट्स ऑल, ये हमारी थी इंट्रोडक्शन आईसीटी के बारे में, आईसीटी की फाइल। आई होप ये फाइल भी आपको हेल्प करे, जैसे मैंने फर्स्ट फाइल अपनी अपलोड की थी, ये फाइल भी आपको अपनी फाइल प्रोजेक्ट बनाने में, प्रैक्टिकल फाइल बनाने में आपकी हेल्प करे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि जब मैं थर्ड फाइल अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। थैंक यू।